मुंबई इंडियंस को खिताब जीतने पर मिले इतने करोड़ रुपए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल टॉप वर्ल्ड वाइड क्रिकेट में। दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियंस की जीत से खुश हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का समापन 10 नवंबर को हो गया। दुबई के मैदान पर आईपीएल 2020 का फाइनल मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। खिताबी भिड़ंत में मुंबई की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से रौंद कर 5वीं बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की। इसके बाद खिताब जीतने वाली टीम मुंबई इंडियंस पर धन वर्षा हुई। वहीं रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस को खिताब जीत के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की ओर से बड़ी रकम मिली है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 की विजेता टीम मुंबई इंडियंस को ट्रॉफी के साथ साथ 20 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया है, जबकि इससे पहले खबर आई थी कि बीसीसीआई आईपीएल की प्राइज मनी में कॉस्ट कटिंग करने जा रही है, लेकिन अब अवार्ड सेरेमनी हुई तो नज़ारा कुछ अलग ही दिखा। फाइनल मैच में हारने के बाद जब दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर अवार्ड लेने पहुंचे तो उनको 12.5 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया गया। इससे पहले मार्च 2020 में ये बात सामने आई थी कि आईपीएल 2020 की इनामी राशि को आधा किया जाएगा। इस हिसाब से दिल्ली को 6.25 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन बीसीसीआई ने इस कठिन समय में भी पिछले साल की तरह इस साल भी विजेता को 20 करोड़ और उपविजेता को 12.5 करोड़ रुपए दिए हैं। इतना ही नहीं, क्वालिफायर 2 को हारने वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम और एलिमिनेटर मैच को हारने वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को भी मोटी रकम इनाम के तौर पर मिली है। बीसीसीआई ने हैदराबाद और बेंगलोर की टीम को 8.75 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। पिछले साल की तरह इस साल भी बीसीसीआई ने 50 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर टॉप 4 टीमों को दिए हैं। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप भी मुंबई इंडियंस की जीत और टीमों को मिली प्राइज मनी के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप उसे भी नीचे कमेंट हम करके जरूर बताइएगा। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।